Good morning, students. This is the fifth video of this chapter, that is chapter 1, crop production and management. Previous video mein humne agricultural practices ke 3 steps padhe: preparation of soil, sowing and adding manures and fertilizers. Sabse pehle crop production ki process mein soil ko prepare kiya jata hai. Kaise prepare karte hai soil ko? पहले उसको टर्न करते हैं ताकि वो सॉइल लूज हो जाए. जब सॉइल लूज हो जाती है तो वो अलाउ करती है रूट्स को डीपली पेनिट्रेट करने के लिए. अगर रूट्स डीपली पेनिट्रेट नहीं भी हो रहे तो भी सॉइल टर्न करने से और उसको लूज करने से जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर होते हैं वो सॉइल के टॉप लेयर पर आ जाते हैं. जैसे कि हमको पता है कि सॉइल की टॉप लेयर जो होती है वो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करती है. इसीलिए ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस में. इस स्टेप को करने के लिए हमने 3 इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा था जो यूज़ में लिए जाते हैं. फर्स्ट वॉज प्लॉ, सेकेंड वॉज हो एंड थर्ड वॉज कल्टीवेटर. इन तीनों के बारे में हम डिटेल में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. सेकेंड स्टेप वॉज सोइंग ऑफ सीड्स. सीड्स सो करने से पहले ये ध्यान में रखा जाता है कि सीड्स की क्वांटिटी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो और उसका प्रोडक्शन ऐसा हो कि वो हाई यील्ड दे. इसके अलावा सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए एक इक्विपमेंट को हम यूज़ करते हैं जिसको हम सीड ड्रिल बोलते हैं. इस इक्विपमेंट से सीड्स यूनिफॉर्मली पूरी फील्ड में सो किए जाते हैं और एग्जैक्ट पोजिशन पर, मतलब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ में वो सीड्स सॉइल में डाले जाते हैं. इसके बाद थर्ड स्टेप था हमारा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का. मैन्योर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं हमने पढ़ा, और फर्टिलाइजर्स हमने पढ़े कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करे जाते हैं. मैन्योर्स की अगर हम बात करें तो मैन्योर्स हम डिकम्पोजिशन से बनते हैं, लेकिन मैन्योर्स हम खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम किसी भी एरिया या किसी भी फील्ड में एक पिट बनाते हैं जिस पिट में हम एनिमल और प्लांट वेस्ट डालते हैं ताकि उनका डिकम्पोजिशन हो सके. डिकम्पोजिशन करने में कौन हेल्प करता है? माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं. जब हम प्लांट और एनिमल वेस्ट किसी भी पिट या किसी एरिया में डालते हैं तो वहाँ माइक्रोब्स अपने आप डेवलप हो जाते हैं और उसका डिकम्पोजिशन करना स्टार्ट कर देते हैं. तो मैन्योर्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वो सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके. जब एक फील्ड में रेगुलर क्रॉप प्रोडक्शन होता है, एक के बाद एक क्रॉप्स प्रोड्यूस करे जाते हैं, तो सॉइल का फर्टिलिटी और उसका न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. इस वजह से हमको मैन्योर्स उसमें ऐड करना इम्पॉर्टेंट होता है. फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स में कुछ मिनरल्स होते हैं लेकिन वो इनऑर्गेनिक होते हैं, वो फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं. फर्टिलाइजर्स हार्मफुल होते हैं सॉइल के लिए क्योंकि वो सॉइल को इनफर्टाइल बनाते हैं. इसके अलावा वो वाटर पोल्यूशन को भी स्टार्ट कर देते हैं. नाउ वील टॉक अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. एक ऐसा इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो ह्यूमन बींग्स ही बनाते हैं फैक्ट्रीज़ में. फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़. फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं फर्टिलाइज़र्स. फर्टिलाइज़र्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. मैन्योर्स सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब डीकम्पोजिशन करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का, तब वो सॉइल को साथ साथ में ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं. लेकिन यहाँ हम फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं. फर्टिलाइजर्स क्योंकि इनऑर्गेनिक है और फैक्ट्रीज में प्रोवाइड प्रोड्यूस कराया जाता है, इसीलिए फर्टिलाइजर्स सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराते हैं. फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. जब हमने प्रीवियस वीडियो में फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि NPK इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी फर्टिलाइज़र. तो NPK में नाइट्रोजन इज़ N, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस एंड K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ मैन्योर, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू.
मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि डीकम्पोजिशन से बनता है. किसके डीकम्पोजिशन से बनता है? एनिमल या फिर प्लांट रेसिड्यू के डीकम्पोजिशन से मैन्योर्स बनते हैं. मैन्योर्स को हम फील्ड में भी बना सकते हैं. ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप फायसागर गए हो तो वहाँ पर बहुत सारे पिट्स बनाए हुए हैं मैन्योर्स बनाने के लिए. तो ये पिट एक ऐसा एरिया बनाते हैं, स्पेशली फार्मर्स बनाते हैं इस एरिया को, जिसमें वो कैटल डंग, काउ डंग और ये सारी चीज़ें, प्लांट रेसिड्यू, ये सब डालते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसका डीकम्पोजिशन करें जल्दी जल्दी. अब एक पूरी फील्ड में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोजिशन करना होगा तो उनको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक छोटे से पिट में वो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस करेंगे तो मैन्योर्स जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे. मैन्योर्स सॉइल में ह्यूमस भी ऐड करते हैं. इसके अलावा जो मैन्योर्स होते हैं वो रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं, इसलिए न्यूट्रिएंट्स हम अपने अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर देते हैं. एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स. अब ऑर्गेनिक मैन्योर को फर्टिलाइजर्स से बेटर क्यों माना जाता है? फर्स्ट, इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. सबसे पहले तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है. सॉइल अपने आप में कितना वाटर होल्ड कर सकती है, कितनी गीली रह सकती है, उसको बढ़ाता है. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी. जब हमने सेल पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि सेल वॉल पोरस होती है, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर और बाहर आने जाने में अलाउ करती है. तो वैसे ही जो सॉइल होती है उसके पार्टिकल्स पोरस होते हैं, जिसकी वजह से वो गैसेस का एक्सचेंज अलाउ करते हैं. तो मैन्योर्स सॉइल को पोरस होने में हेल्प करते हैं ताकि वो गैसेस का एक्सचेंज अलाउ कर सके. इट इंक्रीसेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. जो मैन्योर्स होते हैं वो जहाँ पर भी ऐड करे जाते हैं वहाँ पर माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं. तो जो माइक्रोब्स हैं वो डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं. जो फील्ड है वहाँ पर अगर ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि फार्मर्स के फ्रेंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, जो कि सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है. तो ये डीकम्पोजिशन जो माइक्रोब्स करते हैं उसको हेल्प करने में मैन्योर्स भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. अब हमने बोला कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, तो अगर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो सॉइल का टेक्सचर भी तो इंक्रीज़ हो रहा है. तो मैन्योर्स इसीलिए प्रिपेयर किए जाते हैं, इसीलिए उनको प्रिफर किया जाता है ताकि ये सारे स्टेप्स में वो हेल्प करें. अनलाइक फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स वाटर पॉल्यूशन बढ़ाते हैं और सॉइल को इनफर्टाइल करते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा प्रिफर नहीं करा जाता. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू 1.6, इरीगेशन. All living beings need water to live. सारे living organisms को पानी चाहिए survive करने के लिए. Water is important for proper growth and development. Water क्यों important है? ताकि अच्छे से growth हो और development हो. Water is absorbed by the plant's root. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. हमने पढ़ा कि रूट्स जो होती हैं प्लांट की वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो वाटर एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी साथ में एब्जॉर्ब कर लेते हैं. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर. प्लांट्स में 90% पानी होता है. वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस. वाटर क्यों ज़रूरी है प्लांट्स के लिए? क्योंकि प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं उनका जर्मिनेशन जो है वो वाटर के बिना नहीं हो सकता, उनका डेवलपमेंट वो प्रोड्यूस वाटर के बिना नहीं हो सकते. ड्राई कंडीशंस में सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं. न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. जो भी न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिसॉल्व हुए हैं तो रूट में एब्जॉर्ब होने के साथ साथ वो वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के दूसरे पार्ट में भी चले जाते हैं. तो ऐसे प्लांट्स के हर पार्ट में वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल करते हैं.
वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. तो वाटर जो है वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. किससे प्रोटेक्ट करेगा? फ्रॉस्ट से और हॉट एयर करंट्स से. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. अगर हमको क्रॉप प्रोडक्शन बेटर चाहिए या क्रॉप ग्रोथ अच्छे से चाहिए तो सॉइल को हेल्दी रखने के लिए हमको फील्ड में रेगुलरली पानी डालना पड़ता है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन. तो वाटर जब हम किसी फील्ड में रेगुलर इंटरवल में डालते हैं, जब हम वाटर सप्लाई किसी भी फील्ड में रेगुलरली करते हैं तो हम उस प्रोसेस को इरीगेशन बोलते हैं. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. अब किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए, कितने इंटरवल में चाहिए, कितने टाइम पीरियड के बाद चाहिए, ये सब डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का क्रॉप है. तो ये क्रॉप टू क्रॉप पर डिपेंड करता है कि उनको कितना इरीगेशन चाहिए, कितनी वाटर की ज़रूरत है. सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, कितने किस सीजन में कितना पानी चाहिए. जैसे रेनी सीजन है तो उनको ऑलरेडी वाटर मिल रहा है तो उनको इतने पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर समर्स है तो वो ड्राई सीजन है तो उसमें पानी ज़्यादा इंटरवल में फील्ड्स में डाला जाता है. तो इस हिसाब से इरीगेशन की प्रोसेस होती है. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर. सी समर्स में वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी मतलब फील्ड में पानी डालने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि फील्ड जल्दी जल्दी ड्राई हो जाती है. वाई इज़ इट सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स. अब सॉइल में समर्स में क्योंकि इतने ड्राई कंडीशंस होते हैं तो वाटर इवेपोरेट भी जल्दी जल्दी होता है, वाटर सूखता भी जल्दी जल्दी है. इसलिए वो जितनी जल्दी सूखेगा वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा. इसीलिए वाटर क्योंकि इतनी जल्दी इवेपोरेट हो रहा है सॉइल में से और लीव्स पर से, इसीलिए रेगुलर बेसिस पर और हायर टाइम पीरियड में उसको वाटर दिया जाता है फील्ड में. सोर्सेज ऑफ इरीगेशन. द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स. इन सारे जगहों से वाटर प्रोवाइड करा जाता है फील्ड में. वेल्स से ले सकते हैं वाटर, ट्यूब वेल से ले सकते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स और कैनाल से भी वाटर हम लेकर फील्ड में प्रोवाइड करवा सकते हैं. ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन. अब हम इरीगेशन के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे. तो हम सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जब हमको पहले की इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो हम मॉडर्न इन्फॉर्मेशन पर जा सकते हैं. इसीलिए हम सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़ेंगे कि पहले के टाइम में वाटर फील्ड में कैसे प्रोवाइड कराया जाता था. द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाई डिफरेंट मेथड्स. जो भी वाटर अवेलेबल होता है वेल्स में यानी कि कुएं में, लेक्स में और कैनाल्स में, उनको कैसे फील्ड तक पहुँचाया जाता था. इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मेथड्स. तो पहले के ज़माने में या तो ह्यूमन्स खुद कुएं में से या इन सारी जगहों में से वाटर लेते थे और फील्ड में डायरेक्टली बाय हैंड डालते थे, या फिर कैटल का भी यूज़ में लेते थे ह्यूमंस फील्ड को वाटर प्रोवाइड कराने के लिए. सो दीज मेथड्स आर चीपर. ये मेथड बहुत सस्ते मेथड्स थे क्योंकि वो ह्यूमन एफर्ट खुद ही लग रहा था उसमें. एफर्ट ज़्यादा होगा तो मेथड चीप होगा. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर फर्स्ट मोट पुली सिस्टम, सेकेंड इज चेन पम्प, थर्ड इज ढेकली एंड फोर्थ इज राहत, दैट इज लिवर सिस्टम. पम्प आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पम्प्स. अब फर्स्ट मेथड में कुछ पम्प यूज में लिए जाते थे, ठीक है, वाटर को फील्ड तक पहुंचाने के लिए. और ये पंप किससे काम करते थे? डीजल से, बायोगैस से या फिर इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी से ये पंप काम करते थे, ठीक है. तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसमें ह्यूमन एफर्ट लग रहा है या फिर कैटल का यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है. और पंप यूज़ में करते हैं जो कि
डीजल, सोलर एनर्जी, बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड, सिंपल मेथड। नाउ वील टॉक अबाउट मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। लेकिन मॉडर्न क्रॉप प्रोडक्शन में मॉडर्न मेथड्स आ गए। जब हमने क्रॉप प्रोडक्शन के वेज को बढ़ा दिया या फिर वेज को बेटर कर दिया, तो हमको इरिगेशन की प्रोसेस को भी तो थोड़ा बेटर करना है। इसीलिए हमने इरिगेशन की प्रोसेस को भी बेटर कर दिया, मॉडर्न वेज उसमें यूज़ करने लगे। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। वाटर जो था उसको इकोनॉमिकली यूज़ करने के लिए हमने मॉडर्न मेथड्स यूज़ में लेना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट मेथड इज़ स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल और ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जिस जगह पर सफिशेंट पानी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर स्प्रिंकलर मेथड या स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किया जाता है। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. Figure 1.5 में आप देख सकते हो sprinkler method। तो जिस field में sufficient water available नहीं है, वहाँ पर perpendicular pipes लगाए जाते हैं जिसपे एक rotating nozzle जैसा structure present होता है top पर। आप देख सकते हो ट्यूबवेल है, उसके ऊपर ये rotating structure present है। तो रेगुलर इंटरवल पर जो पाइपलाइंस जॉइंट करी हुई हैं उसमें से पानी आता है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप। तो ये जो मेन पाइप है, इसमें जो आप देख सकते हो रोटेटिंग नोजल के पास में, उसमें वाटर रिलीज किया जाता है और फिर वो रेगुलर इंटरवल पर बाकी पाइप जो कि परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हैं वहाँ तक जाता है। इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, ठीक है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। इसको स्प्रिंकलर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाटर स्प्रिंकल्स की तरह क्रॉप पर पड़ता है। जैसे कि रेन जब होती है तो वाटर स्प्रिंकल्स की तरह आता है, वैसे ही स्प्रिंकलर मेथड में वाटर स्प्रिंकल की तरह क्रॉप्स तक पहुँचता है। स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल इन लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। किस लिए यूज़फुल है ये, कहाँ कहाँ पर? लॉन्स में यूज़फुल है, कॉफ़ी का प्लांटेशन जहाँ पर भी होता है वहाँ पर ये मेथड यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा और भी क्रॉप्स होते हैं जहाँ पर ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट मॉडर्न मेथड इज़ स्प्रिंकलर मेथड। सेकेंड इज़ ड्रिप सिस्टम। इन दिस मेथड और इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट्स तक जाता है, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसीलिए क्योंकि वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है, एज अ ड्रिप जा रहा है रूट्स तक, तो इस सिस्टम को हम ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। अपने गार्डन और ट्रीज़ में भी हम ये ड्रिप सिस्टम ही यूज़ में लेते हैं। तो ये फ्रूट्स को वाटर करने में और जो हमारे गार्डन में ट्रीज़ हैं उनको वाटर करने में ये ड्रिप सिस्टम यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें क्योंकि वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट्स तक जा रहा है, इसलिए पानी वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। अब क्योंकि वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा है और डायरेक्टली रूट्स तक जा रहा है, तो ये ऐसी जगहों पर बहुत यूज़फुल है जहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इरिगेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद 7.1 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स।